नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाट के साथ होती है तो व्यक्ति का पूरा दिन खुशनुमा जाता है। पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में अलग अलग प्रजाति के पक्षी देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक पक्षी है कबूतर। दोस्तों, इस नन्हे से पक्षी का किसी मनुष्य के घर में आगमन बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर की छत पर कबूतर रोज आकर बैठता है तो यह आपको मालाबाल बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति के घर में कबूतर का आना जाना लगा रहता है उस घर में स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है, जो मनुष्य के भाग्य के बंद द्वार खोल देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कबूतर से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों का वर्णन करने वाले हैं आज के वीडियो में कि दोस्तों आप जानेंगे कि कबूतर किस तरह से हमारे लिए बहुत ही लकी साबित होता है। साथ ही दोस्तों और भी वीडियो में जानेंगे कुछ चिड़ियों के बारे में जिनका घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप लोग बने रहना वीडियो के अंत तक। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में जानते हैं कि कबूतर पक्षी कैसे चमकाता है आपकी किस्मत। घर में पक्षियों का आना घर के लिए बहुत खुशनुमा माहौल लेकर आता है। इन्हीं पक्षियों में से एक कबूतर पक्षी है, जो अगर किसी व्यक्ति के घर में आ जाए तो उस व्यक्ति के आंगन में धन की वर्षा होते देर नहीं लगती है। दोस्तों, इंसानों और पक्षियों के बीच मित्रवत संबंधों की चर्चा कई पुराणों और महाकवियों में की गई है, जिसमें से कबूतर को एक शांति दूत पक्षी के रूप में माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कबूतर का घर में आना शुभ संकेत देता है या आपके घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होता है, क्योंकि कबूतर माँ लक्ष्मी जी का प्रिय पक्षी है। इसलिए जिस घर की छत पर कबूतर आते जाते रहते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के वक्त कबूतर की गुटरुगू सुनाई देना व्यक्ति की जिंदगी में लाभ के योग लेकर आता है। आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, साथ ही पक्षी आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। दोस्तों, घर की सुख शांति में वृद्धि करता है ये पक्षी। माँ लक्ष्मी के भक्त के रूप में जाना जाने वाला कबूतर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का सामर्थ्य रखता है। शास्त्रों के अनुसार कबूतर को दाना खिलाने से मनुष्य की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, कई धारणाओं के अनुसार कबूतर का घर में घोंसला बनाना शुभ माना जाता है तो कुछ धारणाओं के अनुसार अशुभ। वास्तुशास्त्र की माने तो घर की बालकनी या छत पर कबूतर का घोंसला होना अशुभ माना जाता है, लेकिन घर के किसी अन्य जगह पर कबूतर का घोंसला होना शुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों, घर के अंदर सफ़ेद कबूतर का आना कैसा होता है? प्रिय दर्शकों, घर में सफ़ेद कबूतर का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो सफ़ेद कबूतर के दर्शन आपकी सारी परेशानियों का खात्मा कर सकते हैं। इसके अलावा स्वप्न शास्त्र में भी बताया गया है, अगर सपने में सफ़ेद कबूतर दिखें तो पुरानी दुश्मनी का अंत होता है। वहीं दोस्तों, कबूतर का पंख भी देता है शुभ संकेत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कबूतर का पंख दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करता है। अगर आपको भी कहीं आते जाते हुए कबूतर का पंख मिल जाए तो उसे तुरंत उठाकर अपने पास रख लें, फिर उस पंख को लाल या सफ़ेद वस्त्र में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से जातक को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर के ऊपर से कबूतर का उड़कर जाना भी शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है इससे मनुष्य अपने ऊपर आने वाली विपदा से बच जाता है। दोस्तों, ज्योतिषियों की सलाह के अनुसार कुंडली में बुध और बृहस्पति की स्थिति को मजबूत करने के लिए कबूतर को दाना खिलाना एक अचूक उपाय है, जिससे जातक गृह दोष और हर बाधा से
बचा रहता है। दोस्तों, सनातन धर्म में पेड़ पौधों को पूजने के साथ ही कुछ पशु पक्षियों को पूजन का विशेष महत्व है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ और पक्षी हैं और उनकी विशेषताएं भी हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला पक्षी है उल्लू। माता लक्ष्मी के वाहन के रूप में पूजा जाने वाला उल्लू व्यक्ति के जीवन में कुछ खास होने का संकेत देता है। उल्लू का किसी व्यक्ति के आसपास रहना उसे अनहोनी घटना से बचाने का भी काम करता है। दोस्तों, दूसरी चिड़िया है गौरैया। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चिड़िया का घोंसला होना काफ़ी शुभ माना जाता है। गौरैया का घर में आना खुशियों का संकेत लाता है। हालांकि आज प्रदूषण के कारण गौरैया सीमित हो गई है और वह कम ही संख्या में दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अगला पक्षी है कौआ। बेशक कौओं को बहुत से लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वास्तुशास्त्र के मुताबिक कौए का घर में आना बहुत लाभकारी बताया गया है। कौए की काँव काँव घर में मेहमान आने की सूचना देती है। दोस्तों, अगला पक्षी है तोता। तोते का घर में आना जातक की कुंडली में धन लाभ के योग बनाता है, साथ ही यह जातक के रुके हुए धन की प्राप्ति में भी सहायक बनता है और बिगड़े हुए काम बनाने में तोते का अतुलनीय योगदान है। दोस्तों, अगला पक्षी है नीलकंठ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नीलकंठ को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा माना जाता है अगर नीलकंठ पक्षी के दर्शन किसी व्यक्ति को हो जाएं, तो उस व्यक्ति के यश और वैभव में ज़्यादा वृद्धि होती है। इसके अलावा नीलकंठ पक्षी को कार्य सिद्धि का भी सूचक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ खास पक्षी जो अगर आपके घर में आते हैं या आपको कहीं दिखाई देते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत मिलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।